हम लोग के यहाँ कुआ का ही प्रावधान है, जो जितना भी परिवर्तन है कुआ ही है। अपने पैर में आलता लगा लिया और ये देख सकते हैं ला की चूड़ी भी पहन ली। भगवान की जब तक दया दृष्टि आप पर नहीं है तो उत्तीज नहीं कर सकते। आज नहाए खाए तो नहाए खाए की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारा बेटा स्कूल जा चुका है, घर के जितने भी काम थे सारे खत्म हो चुके हैं। और आज ये होता है ना कि आज जो है हमारे यहाँ नहाए खाए के दिन भी नमक नहीं खाते हैं, मीठा ही कुछ खाते हैं। तो माँ कुछ बना रही है, घर का सारा खाना पीना और सबके लिए बन गया है। और जो पर्व का खाना है वो माँ बना रही है। तो चलते हैं नीचे और दिखाते हैं क्या क्या बना रही है। और जो आज मैं साड़ी पहनने वाली हूँ ना, ये साड़ी पहनने वाली हूँ जो कि चुनरी प्रिंट में है और बहुत सुंदर है। मुझे ना इस टाइप की साड़ी बहुत अच्छी लगती है, तो यही पहनते हैं और देखते हैं कैसा लगता है। A few moments later, हम लोग के यहाँ पुआ का ही प्रावधान है, जो जितना भी परिवर्तन है पुआ ही है। और तीज पर सब कोई नहीं कर सकता है, जिसको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो वही करे। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं संसार की सब सज्जन स्त्री को तीज नसीब हो। भगवान किसी का तीज नहीं छीने, वह तीज करते ही अपना समय पूरा करके यहाँ से चल जाए। बस और हम क्या कहेंगे, भगवान को ही कहेंगे। हमको तो कोई पावर नहीं है किसी को कुछ कर सकते हैं। और भगवान करे इसी तरह हम लोग का तीज व्रत चलता है और संसार के सब स्त्री को छोटी को आशीर्वाद देते हैं, बड़े को प्रणाम करते हैं और समकक्षी को शुभकामना देते हैं। भगवान सब पर अपना दया और क्षमा बनाए रखें। Few inches later, मैं नहा के आ चुकी हूँ और जल्दी से मैं रेडी हो जाती हूँ क्योंकि 11 बज चुके हैं, क्रियांश को भी लाने का समय हो गया। इनके पैर में थोड़ी सी चोट आ गई है तो ये अकेले नहीं जाते हैं, मैं भी साथ में जाती हूँ। तो जल्दी से थोड़ा तैयार हो जाते हैं। और आप में से बहुत लोगों का मेरे इंस्टाग्राम पे कमेंट आ रहा था, दीदी आईब्रो नहीं बनवाए। हाँ, मैं आईब्रो नहीं बना पाई हूँ, आज देखते हैं, अगर आज समय मिला तो जरूर बनवा लेंगे। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ नेल पेंट और मेरे नाखून जो है बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन फिर भी आज तो लगाना बनता है तो हमने लगा लिया। और इसके बाद जो है ना आलता भी लगाएंगे। और ये देख सकते हैं, ये है हमारा पायल जो कि आज मैं पहनूंगी, बहुत सुंदर पायल है। ये मुझे एनिवर्सरी पे किसी ने गिफ्ट किया था, शायद मोनिका दीदी ने गिफ्ट किया था, तो बहुत सुंदर है, ये पहनने वाली हूँ। बाकी माँ अभी तक नहाई नहीं है, मैं रेडी हो करके पूजा जल्दी जल्दी करके आलता आलता कुछ भी मैंने लगाई थी क्योंकि क्रियांश का स्कूल का समय हो गया था तो उसको लेने चली गई थी। तो अभी क्रियांश को दूध दूध पिला के नहा सुना के सुला दी हूँ, फिर मैं आलता वगैरह लगाऊंगी और इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो हमने पैर में आलता लगा लिया और ये देख सकते हैं ला की चूड़ी भी पहन ली। और ये देखिए आलता लगाने के बाद ना पैर ना बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। और मैंने पायल भी पहना, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि दीदी आप पायल क्यों नहीं पहनते, क्योंकि मुझे ना पतला वाला पायल बहुत ज्यादा पसंद है और वो टूट गया था, इस वजह से मैं पहन नहीं रही थी। फिर मैंने सोचा तीज आ रहा है, तीज में पहनूंगी। बाकी ये देख सकते हैं, ये है हमारा सिंदूरा जो कि हमारी शादी में कोई भी तीज पर्व होता है ना, कोई भी त्योहार, तो इसका सिंदूर मैं जरूर थोड़ा सा लगाती हूँ यहाँ पे। और कितना सुंदर लग रहा है, तो ये लगा लिया मैंने। बाकी मेरा पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है, पूजा करके मैंने ये यहाँ सिंदूर लगा लिया था, तो मैं इसको रख के आती हूँ पूजा रूम में। ये हमेशा मेरे पूजा रूम में रहता है। और जो सिंदूर मैं डेली यूज करती हूँ वो भी हमेशा भगवान के पास रखती हूँ और जब पूजा करती हूँ ना उसी टाइम लगाती हूँ। 20 minutes later, तो हमारा पूजा पाठ तो हो गया और माँ भी आ गई है नहा के पूजा करने के लिए भी। और आज बहुत लेट हो गया, आज भी मतलब हम लोग जो है नमक नहीं खाएंगे, नहीं माँ, और कल तो बिना पानी अभी पहनेंगे तब फोटो लेंगे। तो अभी माँ पूजा ही करने आई है, अभी सिंदूर वगैरह भी कुछ नहीं लगाई, पूजा पाठ करके लगाएगी तब मैं आप लोगों को माँ को दिखाऊंगी। A few moments later, तो माँ भी पूजा कर ली है और आज माँ कुछ बोलना चाह रही है तीज के अवसर पर। आज तो सबसे पहले हम तीज के सभी को आशीर्वाद, छोटों को और समकक्षी को शुभकामना और बड़ों को प्रणाम। और ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि तीज सबको नसीब नहीं होता है, तीज भगवान की जब तक दया दृष्टि आप पर नहीं है किसी भी औरत पर तो तीज नहीं कर सकते। इसलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं सब पर आप अपना आशीर्वाद, दया और क्षमा बनाए रखिए ताकि सबको तीज जीतिया नसीब हो, छठ नसीब हो। बस और हम क्या कर सकते हैं, भगवान से सिर्फ प्रे भी कर सकते हैं, करेंगे तो वही। और इतना बात जरूर समझ लीजिए कि आपका अगर अच्छा कर्म है तो वह भगवान की दुआ कभी निष्फल नहीं होगा। इतना हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, नहीं हर सास्तु अपना समाज जो भी है
सब पर आप अपना क्षमा और दया बना के रखिए भगवान। और इस भगवान के घर में हम तो नहीं जानते प्रभु आप कहाँ रहते हो, लेकिन हम पूजा करते तो हमको है कि आप यहीं रहते हो, इसलिए हम यहीं आपको प्रे करते हैं कि सब पर आप अपनी कृपा बनाए रखिए। और हर बार मुझे तीज नसीब हो और सब पर बोलने का आप अवसर दीजिए। 12 seconds later मैं नहीं हूँ कि आप लोगों को संदेश दे सकते, थोड़ा बहुत जो पढ़े लिखे और भगवान भोलेनाथ की इतना कृपा हम पर है जो किसी अच्छे लोगों की बात सब जब सुनते हैं तो थोड़ा बहुत उससे जो ज्ञान हो जाता है तो लगता है कि आप लोगों को कहना चाहिए और आप लोग सुनते हैं, मुझे इज्जत भी देते हैं। बहुत लोग माँ को पसंद करते हैं और बहुत अच्छा अच्छा कमेंट आता है माँ के लिए, तो कोई भी कमेंट करते हैं ना माँ जरूर पढ़ती है। और आप में से बहुत लोगों का ये भी कमेंट रहता है कि आप माँ से ये चीज़ कहिएगा, तो आप कमेंट कीजिएगा, माँ खुद ही देख लेती है सारा कमेंट। तो इसलिए हम आप लोग से यही कहेंगे तो किसी को अनावश्यक ना अपमानित करें ना प्रताड़ित करें और धन के पीछे भागे नहीं, क्योंकि जब धन के पीछे बहुत भागेगा तो लालच होगा, लालच का कोई अंत नहीं है। और इस तरीके से धन कमाना तब आपको नाश करने के लिए दूसरे का कोई जरूर, वही धन आपको नाश कर दे। One eternity later हम तो दिन रात आप लोगों के लिए स्वर से प्रार्थना करते हैं, सब के लिए, अपना से पराया तक के लिए, तो आप लोग भी कीजिए हम लोगों के लिए। समाज का दुआ जो है वह भगवान के यहाँ डायरेक्ट उनके चरण में पहुँच जाता है। तो आज का नहाए खाए जो है हम लोगों के यहाँ कुछ ऐसा होता है कि नहा सुना के पूजा पाठ करके माँ बनाई है पुआ और खीर, वो भी एकदम गुड़ वाला पुआ बनाई, क्योंकि हमारे घर में माँ को भी शुगर थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन डैडी को है, तो सभी लोग खाए, गुड़ खाने में किसी को भी दिक्कत नहीं होती है। बाकी इधर खीर भी बना हुआ है तो हमारे यहाँ यही खाया जाता है नहाए खाए के लिए। बाकी कल निर्जला उपवास रहेगा और आज भी लगता है मां निर्जलीय, आधा दिन निर्जलीय हो गया, 2:30 बज गया है और अभी तक हम लोग कुछ खा ही नहीं थे क्योंकि आज बहुत सारा काम था। और दूसरा चीज एक टेंशन और माँ को हो गया कि माँ का फ्रिज जो है थोड़ा सा खराब हो गया, तो माँ उस टेंशन में और थोड़ा लेट हो गई है टेंशन लेकिन वो ठीक हो जाएगा। रात में बहुत बार लाइट कट रहा था, आ रहा और वोल्टेज भी कम हो गया था, तो लगता है उसका लाइट खराब हो गया फ्रिज का। ठीक तो हो ही जाएगा, ऐसा कोई चीज है जिसका रास्ता नहीं है, सिर्फ इंसान जब आंख बंद कर लेता है तो वह लौट के नहीं आता है, लेकिन ऐसा दुनिया में कोई चीज नहीं है जिसका रास्ता नहीं है। बहुत टेस्टी पुआ बनाई है माँ, हमेशा गुड़ का पुआ बनाती है और इतना अच्छा लगता है खाने में। आप लोग भी अपने घर में बनाइए, हमको तो उतना आता भी नहीं है, फिर जैसा तैसा बनाते हैं। क्रियांश महाशय जो है अभी कुछ देर पहले सोया हुआ था और लगभग जो है 1.5 घंटा का अपना नींद लिया और उसके बाद जो है उठ गया है। तो क्रियांश जब उठ गया है तो उसके बाद अब जो है हम लोग का सारा फोकस क्रियांश पर ही रहेगा, वो रहना भी चाहिए बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है। तो हम जो है उसे शाम में वॉकअप करने जाते थे लेकिन अभी पैर में आ गई है चोट जिसकी वजह से जो है हम वॉक नहीं कर पा रहे हैं, बहुत गंदा वाला चोट आ गया इनको बिल्कुल घुटना अभी हम दिखाना भी नहीं चाहते, रहने दो, बहुत गंदा दिखता है, गंदा दिखता है वो। तो इस तरह की चोट आई है। और बाकी जी तीज का नहाए खाए आज, तो तीज के नहाए खाए की आप सभी को जो है हार्दिक शुभकामनाएं। तो कल जो है तीज का जो मेन व्रत होने वाला है थोड़ा सा कठिन, बिल्कुल अच्छा खासा होने वाला है कठिन, तो दोनों सास बहू मिलकर के जो है तीज का व्रत की है। और आप में से भी बहुत लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं आपके भी घर में बहुत लोग कर रहे होंगे, शायद आप भी कर रहे होंगे, और ये सबको नसीब नहीं होता है, भगवान जिसको आशीर्वाद बनाए रखते हैं उसको नसीब होता है। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे तीज का व्रत करने का मिला हुआ है, तो करेंगे। और जो भी कठिन है भाई कोई बात नहीं, कठिन इतना अच्छा भगवान ने पति दिया है तो कठिन तो सही तो आप लोग को भी जी हार्दिक शुभकामनाएं जो भी कर रहे हैं और ऑल द बेस्ट। तो अब इसके साथ जी ऐसा करते हैं, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग। आपने हमारी वीडियोस को देखा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके जाइएगा, और कल बहुत अच्छा ब्लॉग आने वाला है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अब मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, फिलहाल के लिए बाय बाय।